राधे राधे, जय श्री श्याम। ठंड बहुत ज्यादा भाई साहब, सुबह सुबह। आज मम्मी जी का उद्यापन है तो आज रामायण है और अभी 7 बज रहे हैं। धूप बड़ी मस्त निकली हुई है पर सुबह से अभी रामायण वामायण है तो दिखाते हैं और मिलवाते हैं आपको सब रिश्तेदारों से भी, घर वालों से भी, फिर दिखाते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो अभी पहले मैं नहा लूँ, फिर रामायण में बैठना थोड़ी देर, फिर घर के काम भी करना है 2-4, और कल फिर फंक्शन है खाने पीने का, कल प्रोग्राम है, आज रामायण है, फिर मैं दिखाता। अभी नहा लिए, अभी जा रहे हैं हम टेंट का सामान लेने। मैं जा रहा हूँ, जतिन जा रहा है, वरुण जा रहा है, आकाश जा रहा है, अभी टेंट का सामान लेके आएंगे। पापा जा रहे हैं, अब दिखाते हैं हम आपको टेंट का सामान कैसे कैसे आता है, गांव में कहाँ से आता है, क्या क्या आता है। ठीक है, चलते हैं। अभी ये भाई भी जा रहा है, जतिन भाई भी जा रहा है, और भगत जी भी जा रहे हैं हमारे, और एक भाई आ रहा सामने से, वो भी जा रहे हैं। अभी चलते हैं, पहले इन्हें केक खिला दूँ, थोड़ा सा केक बचा हुआ है रात का। अभी टेंट का सामान लेने निकल गए, ज्यादा दूर नहीं है, गांव में ही है, पर हमारे में एक आदमी थोड़ा सा पागल है, ये है ना जो मेरे पीछे ये तो बड़े साहब हैं, इनका तो आप जानते होंगे, बड़े साहब हैं, बड़े साहब। कितने पीस आ रहे हैं? कितना? बंबू। ये भगत जी टेंट का सामान उतार रहे। हो गए। वरुण क्या कर रहे हो भाई आप? क्या कर रहे हो तुम? कितने रुपए मिले हैं तुम्हें मजदूरी के? 100-150 रुपए चाय पकड़ी। किसका सामान ले जा रहा तू? लोहे का है सामान। किसका है? किन का मजदूरी कर रहा तू? अपने घर मजदूरी कर। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं ये ट्रैक्टर में सामान रखने के बाद। बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं लड़के। 250-250 रुपए मजदूरी पे आए हैं। टेबल हाँ, टेबल क्या? मैं इसको टेबल बता रहा हूँ, कैसे यहाँ ये कर्मचारी है? कुछ नहीं है, करोड़ है, कभी रस्सी उठा रहा, कोई टेबल पकड़ा रहा, क्या है ये? ₹500। पूरे दिन में कितना कमा लेते हो? कितनी जगह मजदूरी करते हो तुम? ये पूरे दिन का ठेका नहीं होता हमारा, जो हमारा होता है, हमारा होता है काम के ऊपर निर्भर। अगर हमारे 4 काम आगे तो 5-4 है, 2,000 रुपये हमारे सीधे हो जाते हैं पर महीने के। कितने दिलवा कितने के खा जाते हो तुम पूरे दिन में? 500 रुपए कमा लेते हैं और 20-30 रुपए के दिलबाग खा लेते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते। कितने रुपए मजदूरी से आए हो? 200 रुपए। 200 रुपए 12 घंटे के। 12 घंटे के 200 रुपए? 200 किसके थे? दावत पीटी। खाना लेके जाऊँ, खाना खा के जाऊंगा। भैया की चप्पल टूट गई है, चप्पल मार रहे हैं भैया। कत्तर सुराग दिखाई दे रहा होगा तुमको, और चप्पल टूटी जिसमें से नहीं। 500 रुपए आएंगे, 20 रुपए का नुकसान, 480 रुपए का चप्पल। ये हमारे काले भैया है, काले भैया। ये भाई का, इन भाई की चप्पल ठीक करने का जुगाड़ देख रहा हूँ मैं। इन भाई की चप्पल टूट गई है और ये टेंट के सामान में इनको दिक्कत हो रही है रखने में, तो इसलिए चप्पल जोड़ रहे हैं अपने, 71 लगा रहे हैं।
भाई फाटक पे दुकान खोल ले तू तो, चप्पल में कत्तरी लगा देख रही है, फाटक पे दुकान खोल ले भगत जी। अरे 2000 कमाने वाले चप्पल जोड़ रहा भगत जी, फाटक पे दुकान खोल ले, चप्पल ही जोड़ लिया क्या यार, 2000 होगी कमाने वाला चप्पल अभी देखो जुगाड़ कर दिया है चप्पल का। और चप्पल ठीक हो गई है भैया, देखो प्रकार सीधी कर दी। देखो अगर बाई चांस किसी की रस्ते में चप्पल टूट जाए तो जोड़ने का तरीका बता दिया है भगत जी ने, तो आप कहीं से कत्तर मिले तो कहीं से भी रस्ते में से कत्तर उठा के जोड़ सकते हो। ये टेबल है अभी एक कर्मचारी आया था इनका सामान उठा था, बोल रहा था कि मेज उठा रहे, मेज नहीं एक टेबल है खाना खिलाने वाली थी, फूड फास्ट टेबल ऐसे उठाओ। कितनी टेबल पहुंची है भैया अब तक? कितनी गई है? रुक जा भाई, ये कार्टून है इसे उठाने के 50 रुपए अलग से एक्स्ट्रा, और मैं जो लाइव उठवा रहा हूँ कार्टून दिखाओ, कार्टून कार्टून ये कार्टून है, अंदर काफी सारा असला भरा हुआ है, और अभी वो भाई उठाएंगे 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा, उठा दी भाई। हाँ देखिए वरुण, टेंट का सामान भर के कैसा लग रहा तुम्हें? हम टेंट का सामान भर के ले चल चुके हैं, अभी हमें केक खाना है, चाय पीनी है, रात का बस ही केक धर रहा है घर पे रात का बस ही केक धर रहा है घर पे। सागर भाई ने इनवाइट कराया, मैं कह रहा हूँ तुम्हें केक खिलवाऊंगा, वो भी बस ही रात का, साथ में चाय भी मिलेगी। और ये बैठा देखो, सुबह सुबह ना दोगे चंदन का तिलक लग जाता है इसको। और ये आकाश मुसद्दीलाल होटल में से वेटर लाई हुआ एक आगे हो जतिन, आगे चल आगे चल, तुम आ जाओ वहाँ वहीं खड़ा हो जी, आगे चल आगे चल, वो खड़ा नहीं भाई जी, खड़ा करके नहीं कौन उठाएगा बड़ा। ये भाई गाड़ी लेके चल दिए हमारे जी। और ये काड़ू बहुत मन का काला है, सबकी बुरा सोचता है, इसका नाम ही काला है, वैसे मुझे प्यार से कालू भैया बुलाते हैं, कालू उर्फ जतिन, कालू उर्फ जतिन। और गाड़ी चल रही है होले होले, और यहाँ पर उज्जवल, और इसी को देखो हमारा मुसद्दीलाल में से लाया हुआ वेटर भाई, चाय की कैतली, चाय की कैतली रहेगी हमारी, चाय की कैतली रहेगी हमारी। देखो हमारे चचा को याद आई है, देखो कालू भैया लेने के लिए गए हुए हैं, ये गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारे YouTube को चैनल को स्वागत करना, सब्सक्राइब करना, अनपढ़ मतलब आप समझ ही गए होंगे, सब्सक्राइब करना। सागर ने आपको बताया था कि हमारे एक भाई थोड़ा सा पागल है, कभी कभी वीकनेस आ जाती है माइंड में। और इसको देखो आकाश को, मुसद्दीलाल होटल में से हम वेटर को लाए हैं 500 रुपए में, लेकिन इसकी पगार कम करके हम 380 देगा, क्योंकि इसने मेरी चप्पल तोड़ दी है 20 रुपए की, हम चप्पल ही देंगे। और देखो ये हमारे चाचे और कालू चाय की कैदी लेके बैठ गया है, इसको चाचा जी के संग बैठा हुआ है, वाली बात ही नहीं है, काम अच्छा होगा सब कुछ, अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जैसे। और ये बबलू जिला पंचायत, बबलू जिला पंचायत आया है ये गया बुलेट पे, बाका इसको मेरी सुनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और थारा भाई काम ऐसे कर देगा कि जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसे ही काम कर देगा तुम्हारा भाई, सारे इतना टेंट का सामान ढोएगा, लोगों का टेंट लगा देगा। और ये बबलू प्रधान जी, राम राम, देखो प्रधान जी तो वापिस चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नो देखो हम टेंट का सामान, खाने में क्या क्या बना हुआ है उज्जवल शर्मा ने बताया मेरे को, काले रसगुल्ले बने हुए हैं जिसे बोलते हैं गुलाब जामुन, काले रसगुल्ले जिसे जो ब्लैक साल्ट और काला नमक जिसे जो ब्लैक साल्ट काला नमक, ये रहा हमारा बिरजू भाई, ब्लैक सॉल्ट काला नमक। और दोस्तों मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जैसे ही आप हमको सब्सक्राइब दोगे हम आपके लिए एक आपकी कमेंट को लाइक जरूर करेंगे,
और मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आपको हम अद्भुत ही अलग अलग वीडियो के नज़ारे दिखाते रहेंगे जो आपने पहले कभी YouTube चैनल पर किसी के भी चैनल पर नहीं देखोगे। हम वे वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि आज तक का आपको कभी देख ना पाए हो ना कभी देखोगे। लेकिन कैमरामैन वरुण शर्मा के आपके साथ आज तक के भी वीडियो, तरक मेहता का उल्टा चश्मा और सागर भाई, धन्यवाद। भाई मैंने इनका केक दे दिया, पकौड़ी आ रही है, समझ लेगा भाई। लड़के केक आ गया भाई, केक आ गया, पहली बार केक नहीं देखा, इन्होंने पहली बार केक देखा भाई। वो थोड़ा किए 2 किलो केक जितिन भाई, अकेला खा रहा है विद पकौड़ी। ले चाय रखी मैंने गैस पे, जा आपके देखा जितिन भाई, खा लो क्या अकेले 2 किलो गु खा दो ना, 2 किलो खा गया भाई जितिन। मेरी चाय लग रही मान लग रहा, मम्मी की सुनी, मम्मी बुला दी चाय पियोगे बच्चे हो, खाई नहीं गया भाई जितिन, सदा थाल गया चिकमा बर्गर, बर्गर की दावत है 2 किलो का केक था भाई, भाई खाने का भाई पूरे मामा था, लेकिन जब 4 चम्मच खाई सटक गया, 4 पकौड़ी खाई, नुकल लगा सारा केक खा जमा, केक कट गया था सब लगा लगा रहा जब हम लोग केक कटेगा समय बटेगा, समय बटेगा अकेला अकेला केक खा रहा, जब हम लोग केक कटेगा समय बटेगा तो तू अकेला क्यों खा रहा भाई। ये पहली बार केक मिला भूखे वैसे है तो ऐसे रिएक्ट कर दे कुछ अलग, वो नहीं यार सुबह से शाम से कितने काम बता देते हैं। जतिन भैया, जतिन भैया, ओ भाई पूरी थाली चट कर चुका है ये सारा खाया है इस भाई ने, 2 किलो केक खा गया वो, या पहली बार किसी को खाने को मिला तो उतना खा लेता है, 2 किलो केक खा गया। जतिन झूठ बोल रहा है, तुमने इसकी क्या हो रही थी, बाहर शाम को पता खिलाएगा, और इसके खाने का तरीका देखा दोनों ने खाया हमने पूरा केक खा लिया। अभी टेंट की तैयारी हो रही है कल के फंक्शन की, रामायण भी चल रही है साथ साथ में, गेस्ट भी ऑलमोस्ट सब आ ही चुके हैं थोड़े बहुत। ना दे दे ला, कहाँ गया बनाओ तुम, बनाओ तो दे दे सर, दे दे अभी जो तो सामने हुई तुम, दे दे सर भी जा रहे हैं।